हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर जितेंद्र जिंदल, प्रोफेसर एट गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उदयपुर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिप्रेशन का इलाज क्यों जरूरी है और एंटी डिप्रेशेंट्स लेना फायदेमंद है या नुकसानदायक। सबसे पहले तो डिप्रेशन का इलाज क्यों जरूरी है? WHO के अकॉर्डिंग डिप्रेशन सेकंड सबसे बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से इंसान काम पे नहीं जाता। डिप्रेशन का इलाज न कराने से इसकी गंभीरता बढ़ती जाती है और यह एक विकराल रूप ले लेती है और इंसान को आत्महत्या के विचार आने लगते हैं। जितने भी आत्महत्याएं होती है उसमें लगभग 90 से 95% लोगों के अंदर मानसिक समस्या होती है और उनमें सबसे कॉमन मानसिक समस्या जो है वो डिप्रेशन। डिप्रेशन में मरीज के नशे करने की संभावनाएं बढ़ जाती है, वो एल्कोहल या स्मोकिंग या अदर कोई और नशा करने लगता है। गंभीर डिप्रेशन में साइकोटिक सिम्टम भी डेवलप हो जाते हैं, उसको शक वहम भी हो सकते हैं, उसको अपने आप कानों में आवाजें आना या कोई इंसान दिखना, इस तरीके के लक्षण भी हो सकते हैं। अवसाद के हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए एंटी डिप्रेशन मेडिकेशंस लेनी चाहिए। एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन जब भी अपन स्टार्ट करते हैं तो इनका असर थोड़ा समय बाद आता है, जैसे 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह भी कभी कभी लग जाते हैं एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन को असर दिखाने। मतलब शुरुआत में जब मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं तो इससे कुछ कुप्रभाव रहते हैं, जैसे इन मेडिकेशन से हिचकिचाना, उल्टी जैसा मन होना, एसिडिटी होना, कभी कभी नींद ज़्यादा आना, कभी नींद कम आना, कभी घबराहट बढ़ जाना, बेचैनी होना। शुरुआत के 5 दिन 7 दिन तक इस तरीके के लक्षण रहते हैं, क्योंकि कोई भी मेडिसिन अपन लेते हैं तो वो बॉडी में एडजस्ट होने में समय लेती है। इसी तरीके से एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन भी आपको बॉडी में एडजस्ट होने में समय लेती है। तो लेकिन कुछ दिनों बाद में, 2 सप्ताह बाद में या 1 सप्ताह बाद में ये साइड इफेक्ट्स जो हैं वो धीरे धीरे कम होकर के खत्म हो जाते हैं। ऐसा आप सब लोगों ने सुना होगा कि एंटी डिप्रेशन लेने से मोटापा बढ़ जाता है। मैं कुछ आपको बात बताना चाहूंगा कि एंटी डिप्रेशन लेने से हाँ बिल्कुल मोटापा होता है, लेकिन वो सब में नहीं होता, 10 में से 2 लोगों को का वजन बढ़ता है। लेकिन आप उसको ध्यान रख सकते हैं, आप खाने में अपना बदलाव करें, आप सैलेड ज़्यादा दें, फ्रूट लें, आप वॉक रेगुलर करें, आप योग प्राणायाम करें, तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन जो है वो नींद की गोलियां हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि एंटी डिप्रेशन बिल्कुल भी नींद की गोली नहीं है, वो सीरोटोनिन का लेवल आपके ब्रेन में बढ़ाते हैं। हाँ, कभी कभी कुछ पेशेंट्स में इन दवाओं से नींद ज़्यादा आती है, लेकिन वो समय के साथ में ये साइड इफेक्ट धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा नींद आए मेडिकेशन से तो बदल करके दूसरी मेडिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स के अंदर एंटी डिप्रेशन की वजह से हेडेक भी हो जाता है, नशे नशे था रहता है दिन में, हैवीनेस रहता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए है, 1 से 2 सप्ताह तक रहता है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है जैसे मेडिसिन बॉडी को एडजस्ट करती है। ऐसा भी है कि एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन से कब्जी हो जाती है, किसी को लूज मोशंस होते हैं, लेकिन अगेन वो भी सभी पेशेंट्स के अंदर नहीं होता। लगभग 10 में से 1 को या 2 पेशेंट्स को कब्जी होती है और लूज मोशंस भी हो सकते हैं, बट ये कम लोगों के अंदर होता है। कॉन्स्टिपेशन होता है तो अगर अगेन आप खाने में बदलाव करें, आप पानी ज़्यादा पिए, आप सैलेड ले सकते हैं। हाँ, इन मेडिकेशंस की वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम भी रहती है, लेकिन अगर किसी को प्री मेच्योर इजेकुलेशन या शीघ्र पतन की समस्या है तो वो तो ठीक ही हो जाती है इन दवाइयों से। लेकिन कुछ लाइक 100 में से लगभग 5 से 10% लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं, ये टेम्परेरी है, जो कि मेडिकेशन डिसकंटिन्यू करने से या इसके साथ में दूसरी दवाएं शुरू करने से ये समस्या खत्म हो जाती है। लंबे समय तक दवाइयाँ लेने पर भी इन दवाइयों से हार्ट, लीवर और किडनी खराब नहीं होते हैं। मैंने अभी जो आपको साइड इफेक्ट बताया वो कॉमन साइड इफेक्ट, कुछ अनकॉमन साइड इफेक्ट जो कि हजारों में, 10,000 में एक आध मरीज को कभी कभार हो जाता है। जो अनकॉमन साइड इफेक्ट है
उन साइड इफेक्ट्स को लेकर के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोग एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन लेने से घबराते हैं। मैं पूछता हूँ क्यों? डायबिटीज की मेडिकेशन लेने के लिए तो नहीं घबराते, हाइपरटेंशन की, ब्लड प्रेशर की समस्या है, कार्डिक प्रॉब्लम है किसी को, किडनी की समस्या है किसी को, थायराइड की समस्या है किसी को, लकवा हो गया है, या बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिसमें मेडिसिन रोज चलती है और रेगुलर चलती है, लेकिन उसके अंदर तो मेडिकेशन से कोई परहेज नहीं रहता, पेशेंट रेगुलर मेडिकेशन लेता है। लेकिन जब एंटी डिप्रेशन की बात आती है तो मेडिसिन से परहेज क्यों होता है? लोग कहते हैं कि इनकी आदत पड़ जाती है। मैं कहना चाहता हूँ कि नहीं, इन मेडिकेशन की बिल्कुल आदत नहीं पड़ती है। लोग ये बोलते हैं कि अगर अभी इस समय अगर कम डोज से असर आता है तो धीरे धीरे जाकर के उनको डोज बढ़ानी पड़ती है, ज़्यादा डोज लेनी पड़ती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इन मेडिसिन से अगर आज आपको एक डोज से असर आता है तो आगे भी उसी डोज से असर आता है और उसी से ही आप ठीक होते हैं। मेडिसिन का डोज अगर डिप्रेशन बढ़ता है तो बढ़ानी पड़ती है, अदरवाइज नहीं बढ़ानी पड़ती। लोग बोलते हैं कि एंटी डिप्रेशन जब बंद करते हैं तो डिप्रेशन वापस हो जाता है। मैं बोलता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं। डिप्रेशन की मेडिकेशंस जब अपन बंद करते हैं तो डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम होता है, मतलब आप इतने लंबे टाइम से मेडिकेशन ले रहे थे और आपने अचानक बंद कर दिए तो आपको कुछ समस्याएं आती है। तो इसका निवारण इस तरीके से कि आप मेडिसिन एकदम बंद नहीं करें, आपने डॉक्टर की सलाह ले, वो हर महीने कुछ मेडिकेशंस की डोज में चेंज करेंगी, जैसे 10 मिलीग्राम चल दिए तो वो 7.5 कर देंगे, फिर 5 कर देंगे, फिर वो धीरे धीरे करते करते मेडिकेशन बंद कर देंगे। तो उससे जो एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन बंद करने से जो डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम होता है वो नहीं होएगा। एक अवधारणा है कि एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन अगर एक बार शुरू होती है तो जिंदगी भर लेनी पड़ती है। मैं बोलता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको डिप्रेशन पहली बार हुआ है तो मेडिकेशन 6 महीने से साल भर चलती है। अगर डिप्रेशन आपको दूसरी बार हुआ है तो मेडिकेशन थोड़ा लंबे टाइम तक चलती है। और कुछ मरीज लगभग 1/3 पेशेंट्स के अंदर मेडिकेशन और लंबे समय तक चलती है। जैसे शरीर में शारीरिक समस्याएं होती है, जैसे फीवर होता है, डायबिटीज होती है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, उसी तरीके से मानसिक समस्याएं भी होती है, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी, OCD, सिजोफ्रेनिया, अलग अलग तरह की मानसिक रोग भी होते हैं। जैसे शारीरिक रोगों के लिए आप मेडिकेशन लेते हैं उसी तरीके से आपको मानसिक बीमारियों के लिए भी मेडिकेशन लेनी चाहिए।